अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक होंगे? आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाई साहब एम्पलीफायर और वूफर। आज आपको चेक करवाते हैं। ये सिरको का एम्पलीफायर है 4000 वाट का, और कैनवुड का वूफर है ओरिजिनल जो सिंगल कॉइल में आता है। क्योंकि सिंगल कॉइल लोगों को पता होता है भाई, सिंगल कॉइल जो वूफर होता है वो ओरिजिनल होता है, जो डबल कॉइल होता है वो हीट अप हो जाता है, वो ठीक नहीं होता। तो आज आपके लिए हम लाए हैं एम्पलीफायर और वूफर। तो चलो शुरू करते हैं, इसकी ओपनिंग करते हैं, इसको भी अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं पहले एम्पलीफायर। वाह, ये एम्पलीफायर है भाई साहब, चेक कर सकते हैं आप। ये मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, मैं खुद ही एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। मैं आपको सही तरीके से ये दिखाता हूँ, ये इस बॉक्स में पैक है। इसको नीचे कर देते हैं। ये सबसे पहले तो ये इसका वो है, मैनुअल ऑनर शोनर, जिसके ऊपर इसकी डिटेल लिखी होती है। यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी बेस वगैरह सब कुछ सेट होता है। ये उसके लिए पूरी बुक है, इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन है, इसमें कैसे इसको सेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। यहाँ से सारा कुछ इसके बारे में बताया हुआ है जी। अच्छा, मोनो एम्पलीफायर सिस्टम, इसकी वायरिंग, वायरिंग इंस्टॉलेशन फॉर स्टीरियो मोड, वायरिंग इंस्टॉलेशन। अच्छा, ये इसकी बुक है, इससे सब कुछ हो सकता है, इसका कंट्रोल जो भी है। अच्छा, अभी निकालते हैं इनको बाहर। ये बल्कि एम को बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसको आप देख सकते हैं, ये 4 चैनल का एम्प है, 4 चैनल, ठीक है। यहाँ पर इसका गेन लगेगा, ग्राउंड जो होता है, यहाँ पे इसका स्विच के साथ जो होता है रिमोट वो लगेगा, यहाँ पे प्लस जो तार लगती है बैटरी से, जो वायर लगती है डायरेक्ट वो यहाँ पे लगेगी। ये इसके फ्यूज़ हैं, ये इसके 4 चैनल ये वाले हैं, 4 चैनल स्पीकर के हैं, ये वूफर के हैं ये वाले, तो इन दो पे वूफर चलेगा। यहाँ पे 2 या 4 स्पीकर आप चला सकते हैं। बाकी पीछे से इस पे ये लीड्स वगैरह होती हैं ये वाली, ये इसमें 6 लीड लगती हैं, 2 यहाँ पे, ये इसका वो है कंट्रोल गेन वगैरह। यहाँ से इसकी बेस वगैरह कंट्रोल होती है, ये इसमें 3 है ये वाले, गेन होती है यहाँ से, यहाँ पे इसकी बेस बूस्ट होती है, ठीक है जी। ये तो हो गया जी, अभी करते हैं वूफर को अनबॉक्स। इसको तो साइड पे कर लेते हैं अभी, तो अभी करते हैं इसको वूफर को अनबॉक्सिंग। ये मंगवाया है तो पता नहीं इन्होंने कौन सी टेप लगाई है, बहुत हार्ड है। ये अभी सब वूफर आपको दिखाता हूँ मैं, ये 12 इंच का सब वूफर है कैनवुड का। वाह माशाल्लाह यार, क्या वूफर है, जबरदस्त। मैं कहता हूँ यार, इसकी क्वालिटी जो है ना यार, जबरदस्त। ये इसको जरा नीचे से देखते हैं यार, कि नीचे से किस तरह बना होगा। मेरे पास वो है नहीं बंदा ताकि ये कैमरा पकड़े, लेकिन चलो हम इसको ऐसे करते हैं, हम इसको उल्टा करके निकालेंगे। 1 मिनट, पहले हम इसको ऐसे ये निकाल लेते हैं बाहर की तरफ, ये पूरा इसके साथ ही बाहर आ गया। इसको हमने यूँ कर देना है भाई, सदियों ऐसे ही निकलेगा ये चीज़। ओए होए होए, बहुत बड़ा इसका वो होने वाला है यार। ये इसका बैक है कैनवुड का, ओए ओए जबरदस्त यार। अब देखते हैं इसकी लीडों की जो जगह है वो किस तरह की है, लोकल तो नहीं है, मतलब एक वो है तो जिसमें वो तार इसे से लटका देते हैं। अब पता नहीं इसका नीचे से किस तरह का होगा, इसको चेक करते हैं अभी। ये
इसकी लीड्स वगैरह वो लगाने की जगह, ठीक है, यहाँ से ये इसका जो है प्लस जो है होता है वो यहाँ पर लगता है, ये इसकी चूड़ी है, यहाँ से इसमें आप प्लस लगाएं, ठीक है, ये प्लस है और ये इसका माइनस है, आपकी माइनस जो तार होती है वो लगेगी जो एम्पलीफायर से आती है। बाकी इसका मैग्नेट बहुत बड़ा है यार, तो सही हैवी सिस्टम होने वाला है। बाकी वूफर आप देख सकते हैं यार, वूफर बहुत खूबसूरत वूफर है यार, डिज़ाइन मुझे तो इसका डिज़ाइन बड़ा पसंद आया। ये देखें कैनवुड, जबरदस्त हो गया, ये एम्पलीफायर हो गया, ये सारी अनबॉक्सिंग तो होगी है। बाकी वीडियो अच्छी लगे यार तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।